नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये उपाय आपको करना है बुधवार के दिन, मतलब कि पांचवी नवरात्रि को, ठीक है। ये उपाय दोस्तों करने से आप खुद देखेंगे कि आपकी जो काया है वो निरोगी रहेगी। कोई भी ऐसी तकलीफ जो आपके बॉडी में है, काफ़ी लोगों के जो कॉल्स आते रहते हैं कि हमें तकलीफ है, बहुत ज़बरदस्त तकलीफ है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो रिपोर्ट के अंदर कोई चीज़ नहीं आती है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, लेकिन तकलीफें फिर भी हमें घेर रही है। हमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, शारीरिक दर्द रहता है, घुटनों में तकलीफ होती है, सांस की तकलीफ है, और फिर ढेर सारी तकलीफों के बारे में हमें सारी जो कॉल्स आते हैं, इसके लिए मैंने ये उपाय आज मैं अपलोड कर रही हूँ, जो आपको उपाय कर लेना है बुधवार के दिन, ठीक है। दोस्तों ये उपाय बहुत ही लाजवाब है, ये नवरात्रि में यदि आप करते हैं इसको तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। यदि आप बुधवार को नवरात्रि के दिन, नवरात्रि में जो बुधवार आ रहा है, नहीं कर पाए तो फिर आप कभी भी इसे, जब भी पांचम होती है उस दिन आप इसे कर लें। दोस्तों पंचमी, पांचवी नवरात्रि माता स्कंद, स्कंद माता का रूप है, मतलब कि दुर्गा जी का जो स्कंद माता रूप है उसका ये दिन है। बहुत ही पावरफुल दिन है, बहुत ही पावरफुल दिन है। और जो भी क्रियाएं मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, जो आप आम दिनों में करते हैं उससे नवरात्रि में यदि आप इन क्रियाओं को कर लेते हैं तो आपको हजारों गुना ज़्यादा फल देखने के लिए मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों कि बाकी दिनों में जो आप क्रियाएं करते हैं उसमें आपको बड़े बड़े मंत्र तंत्र अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में अमुक चीज़ों का दान मात्र कर देने से, अमुक चीज़ों को रख करके सिर्फ दिया बत्ती मात्र कर देने से वो चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, वो शब्द सिद्ध हो जाते हैं जो आपकी लाइफ में आपका बेड़ा पार कर देते हैं, ठीक है। तो आज जो उपाय बताने जा रही हूँ बहुत ही सरल है और कर लेने के लायक है, तो करिएगा अवश्य। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो के पहली बार विजिट ले रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहां किसका भला हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों बुधवार के दिन आपको सुबह उठ करके जो भी आप माता जी की सेवा पूजा करते हैं वो पूजा, सेवा पूजा आपको करनी है। आपको इस दिन नहा धो करके दोस्तों सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया है कि नवरात्रि में कौन से दिन किस कलर का कपड़ा आपको पहनना है, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट होगा। बुधवार के दिन वैसे भी दोस्तों आपको व्हाइट कपड़ा पहनने से आपका भाग्योदय होता है, व्हाइट कपड़ा और ग्रीन कपड़ा दोनों की बराबर ही इफेक्ट होती है, लेकिन पाँचवें दिन ये नवरात्रि है इसमें आपको व्हाइट कपड़ा पहनना है। और आपको माता जी की जो भी आप सेवा पूजा करते हैं एवरीडे, वो आप सेवा पूजा कर लें। जो भी आप माता जी के आगे नैवेद्य चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाएं, दिया बत्ती करें, उन्हें पुष्प चढ़ाएं, जो भी मतलब आप पूजा करते हैं पूजा करें, लेकिन अलग से जो आपको माता जी के सामने रखना है वो है सिर्फ दो केले लेने हैं आपको दोस्तों, और उसको आपको माता जी के सामने प्रसाद में चढ़ा देना है। बाकी सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद, जो भी आप सेवा पूजा करते हैं करने के बाद, सिर्फ 2 केले आपको माता जी के नाम के और माता जी के सामने रख देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको माता जी की आरती उतार लेनी है। जो भी आपकी शारीरिक समस्या है वो समस्या आपको माता रानी के सामने कहना है, और क्योंकि बुधवार है तो बुधवार को जो भी उपाय किए जाते हैं उससे आपके घर का धन धान्य भी जबरदस्त बढ़ने लग जाता है, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बहुत ही अच्छी रहने लग जाती है, शरीर के अंदर जबरदस्त स्फूर्ति आप महसूस करेंगे, घर का माहौल हरा भरा रहेगा यदि आप ये उपाय करते हैं बुधवार के दिन, मतलब कि पांचवी नवरात्रि को, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपने जो भी सेवा पूजा रोज करनी है वही पूजा करनी है, उसके बाद में सिर्फ 2 केले आपको नैवेद्य में रखना है माता जी के सामने, और जो भी आपकी समस्या है, शारीरिक है, मानसिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, इकोनॉमिकल है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको माता जी के सामने कहना है, और एक केले में से थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा काट करके आपको माता जी के सामने रख देना है, बराबर। दूसरे दिन ये जो टुकड़े आपने माता जी के सामने रखे हैं इसे कोई भी शुद्ध पवित्र वृक्ष के नीचे आपको रख देना है, लेकिन इस दिन आप सेवा पूजा कर लें, उसके बाद में 1 केला आपको ले लेना है इसमें से, और सफ़ेद गाय को ये केला खिला देना है। क्या करना है? सफ़ेद गाय को
आपको एक केला खिला देना है और दूसरे केले के छोटे छोटे टुकड़े करके परिवार के सभी मेंबर्स को ले लेना है और जो भी व्यक्ति जिसकी तबीयत ज़्यादा खराब है उसको स्पेशली ये केला दे और माता जी के सामने जो आपने जल रखा है वो जल दे प्रसाद में। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी इफेक्ट दिखाई देगा। पांचवी नवरात्रि को किया गया एक केले का उपाय दोस्तों आपकी लाइफ में आपकी जो भी तकलीफ है उसमें भी आपकी मदद करेगा, प्लस जो शरीर की जो तकलीफ है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी असर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बहुत ही साधारण उपाय है दोस्तों, करने के लायक है। यदि कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। तो करते रहें, खुश रहें, जय श्री कृष्ण।